नमस्कार। भारतीय टीम ने पहला वनडे मुकाबला जीत लिया और इस वनडे मुकाबले के हीरो रहे पृथ्वी शॉ, जो कि उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। लेकिन अगर किसी प्लेयर ने सबका दिल जीता तो वो ईशान किशन थे। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही शानदार अर्धशतक लगाया और एक धुआंधार पारी खेली 151 के स्ट्राइक रेट से, जो बहुत अच्छी पारी में से गिनी जाएगी। ईशान किशन ने जो पारी खेली वो क्यों ऐतिहासिक और यादगार बन गई, इसके पीछे कई वजह हो सकते हैं, कई वजह हमने भी आपको बताए हैं। लेकिन जो बड़ी वजह इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं वो शायद ही आप इससे पहले कहीं पढ़ या सुन पाए हों। दरअसल ईशान किशन का कल जन्मदिन भी था और वो ड्रेसिंग रूम में अपने साथी प्लेयर्स को, अपने कोलीग्स को ये बोलकर आए थे कि वो पहली ही गेंद पर छक्का लगाएंगे, और ऐसा उन्होंने मैदान में उतरते ही कर दिखाया। पहली गेंद पर उन्होंने सिक्स जड़कर अपना वादा पूरा कर लिया। दरअसल मैच खत्म होने के बाद जब अजय जाडेजा उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तब इसी दौरान उन्होंने एक सवाल पूछा कि आपने पहली गेंद पर सिक्स लगाया, आपके लिए ये पहला मैच था, तो आप क्या सोच कर आए थे? तो दरअसल ईशान किशन ने जवाब दिया कि कल मेरा जन्मदिन भी था और सारा माहौल, सारी परिस्थितियाँ मेरे फेवर में थी, लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे और इसका मैंने फ़ायदा उठाया। मैंने अपने साथी प्लेयर्स को ये कहा था कि मैं पहली गेंद पर सिक्स लगा कर आऊँगा और मैंने वही काम किया जो मैं सोच कर आया था। दरअसल उनके इस इंटरव्यू के बाद दावा किया जा रहा है कि ईशान किशन एक बेहतरीन बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए साबित हो सकते हैं अगर उन्हें मौका मिला तो। उन्होंने कहा कि असल में सबको पता था कि मैंने बता दिया था मैं क्या करने जा रहा हूँ। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं पहली गेंद पर छक्का लगाऊंगा, मेरा जन्मदिन था इसलिए सब कुछ मेरे फेवर में था, पिच अच्छी थी और ये मेरा पहला वनडे इंटरनेशनल मैच था। मुझे लगा कि बॉलर को टारगेट कर सकता हूँ और मैंने किया, और इसी का नतीजा था कि 42 गेंदों में 59 रनों की पारी खेली ईशान किशन ने। वैसे भारत ने 37वें ओवर में ही इस पूरे मुकाबले को, यानी 263 रनों के टारगेट को हासिल कर लिया। भारत के लिए बहुत बड़ा मैच था, लेकिन उससे भी बड़ा मैच ये ईशान किशन के लिए साबित हुआ। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आप किसी भी प्लेयर के आत्मविश्वास की अगर परीक्षा लेते हैं तो उस परीक्षा में ईशान किशन 100 में 100 नंबरों से पास हो गए हैं, जिस तरह से कल उन्होंने पारी खेली है और पहली ही गेंद पर सिक्स लगाया है। इससे ये साबित हो गया कि उनमें बहुत हुनर है और वो भविष्य के विराट कोहली हो सकते हैं।